जय हिंद दोस्तों। आज जिम में जो जो भी मशीनें हैं उस मशीन से किस तरीके से एक्सरसाइज की जाती है आज हम तुमको सभी चीजें बताने वाले हैं। तो लास्ट तक ये वीडियो देखने का प्रयास करें ताकि आपके समझ में आएगा कि जिम में अगर हम जाएंगे तो किस तरीके से वो वर्कआउट करना चाहिए और किस तरीके से अपनी बॉडी बनना चाहिए। तो चलो दोस्तों, आज सबसे पहले हम मशीनों से किस तरीके से एक्सरसाइज की जाती है वो देखेंगे। सबसे पहले आते हैं इस मशीन पर। जैसे कि इस मशीन पे पुलअप्स लगाए जाते हैं, तो पुलअप्स किस तरीके से लगाए जाते हैं आज हम देखते हैं। आप जो इस मशीन को देख रहे हैं, अभी हम इस मशीन से एक्सरसाइज करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से एक्सरसाइज की जाती है। चलो दोस्तों, अभी आते हैं हम इस एक्सरसाइज पर। जैसे कि आप देख रहे हैं डबल बार। अब अगर ये डबल बार लगाना है तो किस तरीके से लगाना चाहिए, चलो आज हम तुमको सब दिखाएंगे। तो चलो आइए अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। आप जो ये देख रहे हैं, यहाँ पर हम अपने थाइस की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं किस तरीके से एक्सरसाइज की जाती है। सत्तर केजी, अभी 70 केजी के साथ चेस्ट वर्कआउट करेंगे। तो चलो देखते हैं किस तरीके से चेस्ट वर्कआउट की जाती है। हम वो एक्सरसाइज करके दिखाएंगे जो इस मशीन से की जाती है। इस एक्सरसाइज को भी चेस्ट वर्कआउट कहा जाता है। अब देखेंगे ये मशीन के साथ हम शोल्डर वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अभी इस मशीन के पास आए हैं हम। अभी देखते हैं इस मशीन से हम बैक वर्कआउट किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से करना चाहिए। बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है।
तो चलो दोस्तों, आज आते हैं हम सबसे अहम मशीन पे। जैसे कि यहाँ पर इस मशीन से बाइसेप, ट्राइसेप, बैक वर्कआउट, शोल्डर वर्कआउट, हर चीज़ इस मशीन से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस मशीन से बैक वर्कआउट किस तरीके से किया जाता है वो देखेंगे।